Jungle. भाइयों बहनों मेरा सलाम। मेरा नाम अभिषेक गिलानी है, सैदाबाद थाने में मेरा ऑफिस है। 2001 में मेरा एनरोलमेंट है हाईकोर्ट में, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये जो भी है मेरे क्लाइंट है यूसुफ खान, उन्होंने 2008 में आए आके सब हमारे खानदान की ज़मीनों की जायदाद के कैसा है आप कन्नू साहब बोल के बोले। मैं बोला देखो भाई आपके जो पास जो भी आपके पास पेपर हैं ओरिजिनल पेपर्स ले ले के आओ, जो भी है मैं देख के मैं बोलूँगा, आप नहीं बोल सकता बोल दिया। उन्हें दो दिन के बाद उनके सेतवार वसूल बाकी उन तक अब बहुत ही पासबुक ये पूरा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल्स ले ले के आए, ले ले करके बताए। मैं बोल दिया इंशाल्लाह आप क्या है कार्रवाई में कर सकते, लेकिन आप क्या है आपकी ज़मीन खोजे कोई से सर्वे नंबर आए बोले तो पूरा उन्होंने वो मुंतखब में क्या है सर्वे नंबर 100 से 250 सर्वे नंबर आए। मैं क्या बोला देखो भाई इतने सर्वे नंबर आपको एक सब नहीं हो सकता बोले, तो उन्होंने क्या बोले ठीक है साहब जो भी है थोड़े थोड़े सर्वे नंबर आप डालेंगे। उनको बोले उन्होंने सर्वे नंबर 1 से 14 तक का एक रिप्रेजेंटेशन दिए, उसके बाद सर्वे नंबर 15 से 20 तक का रिप्रेजेंटेशन सर्वे ऑफिशियल। सनीफा भी 1947 में गवर्नमेंट के कस्टडी में रखे केयर टेकर के नीचे, उसके बाद गवर्नमेंट वाले भी मेमो दिए 2014 में इनके रिकॉर्ड हाई बोल के गवर्नमेंट वाले दे दिए। दे देने के बाद मेरे क्लाइंट यूसुफ खान 20,000 पब्लिक के ऊपर गिफ्ट कर दिए। ये लोग पूरे हाईकोर्ट को गए, हाईकोर्ट को गए तो हाईकोर्ट वाले अनुकूल हाईकोर्ट वाले अब मेरे क्लाइंट्स के फेवर में ऑर्डर दे दिए। जो भी मेरे क्लाइंट्स को ऑर्डर आने के बाद फिजिकल भी सर्वे भी कर दिए 2013 में। उसके बाद हम झगड़ा हुए तो वो लोगों के ऊपर अपन कई को बोल के अपन फिर दूसरे केस अंदाल के अब पूरा एक साथ से हमें पूरा पब्लिक को कोर्ट के ऑर्डर ले लेके हमें ये पूरा पब्लिक के ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के पास भी गए। गए तो मिनिस्टर साहब भी बोल दिए कलेक्टर को बुला के जो भी गरीबों का हम काम करेंगे वो तो बोल दिए। मेरे क्लाइंट्स जो भी है उन्होंने भरोसा करे गवर्नमेंट को, वो लोग फुल कॉन्फिडेंट है जो भी है हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट है TRS गवर्नमेंट गरीबों के लिए मदद करती है, तो हम भी TRS गवर्नमेंट के ऊपर हम भरोसा कर दिए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी अच्छा हमारे को मदद करते, वो क्लाइंटा भी मेरे क्लाइंटा भरोसे पे है। हम भी ये जो भी ये केस के बारे में ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को भी हमें इतला कर दिए, वो लोगों के नॉलेज में मालूम हो गया। अब वो लोग भी गरीब के लिए करेंगे बोल के वो लोग भी हमारे भी सपोर्ट कर रहे। हम इसमें मेरे क्लाइंट से कोई भी यहाँ धोखा नहीं हो रहे, लेकिन आजकल ये थोड़े थर्ड पार्टियाँ क्या है और कोई लोग मेरे कौन की 60,000 ले रहे बोगस कर रहे ये वो बोल के जिंकल पार्क दे रहे बोल को क्या क्या की फॉल्स एलिगेशन कर रहे, लेकिन वैसा नहीं है। ये रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, सर्वे नंबर 7 है, मंसूराबाद विलेज सर्वनगर मंडल रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट आता। ये 2400 एकड़ के ऊपर है, हमारे मुंतखब में 1600 बीघा है, ये 4000 एकड़ के ऊपर आती ज़मीन है, लेकिन हम मैं नहीं बोल सकता सर्वे करने के बाद कितनी ज़मीन है क्या है। जब मालूम होती मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकता, जो भी हम सर्वे करे तो कितनी ज़मीन आती गवर्नमेंट बोलती वो बात है, लेकिन हमारे सर्वे नंबर 1 से 14 तक का 15 से 20 तक का कोर्ट के ऑर्डर आए ऑलरेडी, कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर बेस कर लेके इतने भी हमारे क्लाइंटों की तरफ से मैं जो भी अलग अलग किसान दाल के डिपार्टमेंटों को पूरा ऑर्डर ले चुका हूँ। 90% काम हो गया है खाली। सर आपके डिमांड्स क्या है? मेरा डिमांड्स कुछ भी नहीं, गरीबों को जस्टिस होना है, इंसाफ होना है, उनको उनको सौगत ज़मीन उनको मिलना है। मेरा डिमांड गवर्नमेंट से है क्या है, जो भी गवर्नमेंट गरीबों को उनका हक उनको अलर्ट करना है, रिलीज करना है। आज प्रेस मीट करने की वजह क्या है सर? मेरा मैं प्रेस मीट करने की वजह क्या है बोले तो सम थर्ड पार्टीज क्या है फॉल्स बयानों बोल के हमारे को हमारे क्लाइंट को डिस्टर्ब कर रहे। ये जिंकल पार्क है, ये विजयवाड़ा हाई रोड है बोल के वो ज़मीन नहीं होती, वो जानवरों का है और वो नेशनल पार्क है, उस पर अपन कंटेस्ट नहीं कर रहे। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया कामलेनी के बैक साइड है, ये खुली जायदाद है, कंपाउंड वाल है,
वो ज़मीन पे गरीबों को गिफ्ट कर दिए, ये उनकी जायदाद, गरीब उनके नानी की जायदाद है, उनकी गवर्नमेंट में कस्टडी में रखे, गवर्नमेंट वाले भी एक्सेप्ट कर लिए, कबूल लिए इनकी नानी की है बोल के डॉक्यूमेंट मेमो खुद बोल दे रहा। मैसेज क्या देना चाह रहे सर पब्लिक? हम मसीद कुछ भी नहीं, जो ये रिसेंट है दो तीन दिन से हमारे को फॉल्स ये कर दे रहे, उसके वजह से हमारे क्लाइंट सफ़र हो रहे। क्या फॉल्स कर रहे सर? वही जो भी 60,000 ले रहे, ये फॉल्स एक डॉक्यूमेंट दे रहे बोल को, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऑलरेडी उनकी नानी की ज़मीन है, उन्होंने गिफ्ट कर दिए, गिफ्ट के बेस कर लेके कोर्ट को कोर्ट ऑर्डर दे दी है, कोर्ट के ऑर्डर को अपन इज्जत देना हमारा ये है, हर सिटीजन का ये रेस्पेक्ट देना, कोर्ट का ऑर्डर को रेस्पेक्ट देने का है, अगर वैसा नहीं दिए तो कोर्ट को ऑर्डर का हम डिसग्रेड कर सका होता, लेकिन हम रेस्पेक्ट करना हमारा जिम्मेदारी है, वो चीफ कोर्ट है जो स्टेट लेवल में, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट स्पेशल हैविंग स्पेशल ओरिजिनल जुडिशियल पावर्स है, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर का अपन इज्जत देना है, लेकिन ये रिसेंटली थोड़े एल बी नगर पीएस वाले और ये सो वहाँ के लोकल के कॉरपोरेटर है और सम तहसीलदार लोग पूरे मिल के गरीबों को एक हमारे क्लाइंट को डिस्टर्ब कर रहे, लेकिन होते से काम को ऐसा ये कर रहे, लेकिन उनको पावर्स नहीं, ये रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, गवर्नमेंट के कस्टडी में रिजर्व, उनका तहसीलदार को पावर्स नहीं है, ये उन्होंने बोल नहीं सकते, उनको पावर्स नहीं है, ये ज़मीन उनकी है इनकी है बोलने को उनको पावर्स नहीं, गवर्नमेंट डिसाइड दैट इट सेल्फ डिसाइडेड बाई द गवर्नमेंट ओनली, दी सम स्पोर्ट्स पुलिस सम एम आर सम कॉर्पोरेटर दीज आर ऑल दी थर्ड पार्टीज ఇక్కడ ఎవరు ఏజెంట్లు లేరు, ఎవరు ఏం లేరు, అందరు నా మనుషులే, వాళ్ళు పేదవాళ్ళకు ఒక ఆఫీసు నా ఆఫీస్ అంటూ చూపిస్తున్నారు, ఇట్లా ఇట్లా లాయర్ షాప్ ఉన్నారు, ఫలానా యూసుఫ్ ఖాన్ ఫలానా వాళ్ళు దానంగా ఇస్తున్నారు, ఇది దాని తర్వాత 1947 లో గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ కింద పెట్టింది, ఫిజికల్ గా ఆఫీసర్లు భూమి మీదకి వచ్చి సర్వే చేశారు, కొలిచారు ఆఫీసర్లు, దాని తర్వాత గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏమో ఇచ్చారు, మళ్ళా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 17 ఆయన ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని తీసుకొచ్చారు.